और भारत टीवी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर जांजगीर चांपा जिले के ढबरा थाना का है। मामला है कि श्याम कुमार यादव 16 जनवरी को शाम के समय पवार प्लॉट के सामाल को लेकर गुडरू कला जा रहा था, तभी घोघरी ग्राम के दो अपचारी बालक एवं आरोपी चंदन उर्फ चंद्रभूषण जायसवाल ने पुल के आगे गाड़ी रोककर पैसा मांगना शुरू कर दिया। वहीं मना करने पर श्याम कुमार को मुक्को और बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। पीड़ित के साथ हेमंत सिद्धार नामक व्यक्ति भी उस समय मौजूद था। वहीं दोनों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसके बाद गाड़ी का हेडलाइट प्लास्टर मीटर उखाड़ दिया गया। वहीं प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों अपचारी बालक एवं आरोपी चंदन उर्फ चंद्रभूषण जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रार्थी श्याम कुमार यादव, पिता रामलाल यादव, उम्र 32 वर्ष, साकिन ठूठी, थाना जयपुर का, थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 16/1/22 के शाम 7 बजे RKM पावर प्लांट से अपने हाइवा गाड़ी में डस्ट लेकर गुडरू कला जा रहा था कि ग्राम घोघरी के पास नदी के आगे पुल में वहाँ के तीन लड़के लोग, जिसमें दो अपचारी बालक और एक बालिक चंदन उर्फ चंद्रभूषण जायसवाल ने गाड़ी को रोककर इनसे पैसा का मांग किया। पैसा नहीं देने पर इन्हें गाड़ी से उतार के हाथ मुक्का और बेल्ट से खूब मारपीट किया था तथा गाड़ी का हेडलाइट वगैरह तोड़ फोड़ कर दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपराध क्रमांक 10/22 धारा 294, 323, 327, 427 भादवी पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा था। अपचारी बालक और आरोपी जो है फरार था, जिन्हें आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा